बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मिलिट्री हॉस्पिटल में ये भर्ती आई हुई है, जहाँ पर ग्रुप सी की आप देख सकते हैं 10th लेवल की ये भर्ती है। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको आप पिछले वीडियो में जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना। तो नीचे हम आएंगे, सीधे यहाँ पर फॉर्म आपको मिल जाएगा, पूरा फॉर्म PDF का आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक है, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म दोनों मिलेगा। ठीक है, चलिए ऊपर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऊपर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेटेड, ये सब आपको ऊपर जो है एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप देख सकते हैं, तो ये लगभग यहाँ पर 45 दिन तक ये जमा होंगे फॉर्म। तो ऑलमोस्टली ये जो लास्ट डेट है इसकी वो 12 फरवरी 2024 है फॉर्म पहुंचने की। फॉर्म कहाँ पर, एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की उत्तराखंड, पिन नंबर भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, IPO या फिर DD 100 रुपये की लगानी इसमें। ठीक है, आप ऊपर देख लीजिएगा, मैं इसमें इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से इसमें जो है ये फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स में दी हुई है उसमें आप कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में आपको अपना नाम लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। बाकी इसमें फ़ोटो जो है इसमें आपको अटेस्टेड लगानी है, यानी कि जो अटेस्टेड फ़ोटो है वो इसमें आपको लगानी है। ठीक है, देन फादर नेम भी लिखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको सारे नाम यहाँ पर लिखने हैं। स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई भी कट फिट नहीं करनी है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके सर्टिफिकेट के अनुसार है, और एज और क्या होगी आपकी, कितने ईयर कितना मंथ, ये सब आपको टोटल यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नीचे हम आते हैं, उसके बाद किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, SC, ST, OBC। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट लगाने की नहीं जरूरत है, अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तब आपको सारे सर्टिफिकेट लगाने हैं। नेशनलिटी क्या है आपकी, रिलीजन क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है आपको यहाँ पर लिखना। अगर आपका वही कम्युनिकेशन एड्रेस है और वही परमानेंट एड्रेस है तो इसमें आप डू भी कर सकते हैं, उसके बाद आगे भर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है तो इसमें आप भर भी सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट है, ईमेल आईडी आपको लिखनी है, वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, चाहे कि फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन आपसे की जाए, क्योंकि इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है तो बाय पोस्ट आपका जो है एड्रेस पे ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं 3 रो दिए हुए, हालांकि ये केवल 10th लेवल की ही भर्ती है, तो कोशिश करिएगा आप 10वीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें तो 12वीं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैलिकुलर, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड से एरियाज हैं तो इसी में डाल दीजिएगा, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा आप 10वीं और 12वीं ही इसमें लिखें, उससे ज़्यादा इसमें आप ना लिखें, बाकी आपकी इच्छा है उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे उतनी आपको अटेस्टेड कॉपी और सर्टिफिकेट भी इंक्लूज करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म में दें, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो सभी सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटैच करके यहाँ पर भेजने हैं, ध्यान दीजिएगा कोई भी मिस्टेक इसमें ना हो। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी आप सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वेदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है तो उसमें आप NA कर देंगे। ठीक है, बाकी इसमें डिक्लेरेशन है, उसको डिक्लेरेशन आप जो है इसमें भर दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ पर नाम, अपना सिग्नेचर और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि इनक्लोज्ड आपको क्या क्या करने हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अटैच करने हैं फॉर्म के साथ। उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ, जिसके उसमें लिखा है मैंने ऊपर आपको बता दी है, नोटिफिकेशन, पोस्टल का नाम, डेट और RS तो ऑर्डर लिखा हुआ है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट क्या क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल आप अटैच कर सकते हैं, अगर आपने इंटर किया तो इंटर, डोमिसाइल आप अटैच कर सकते हैं, अगर आप जो है अपने एक्सपीरियंस है तो वो अटैच कर सकते हैं, अगर आप OBC SC ST अदर कैटेगरी EWS में आते हैं तो वो यहाँ पर आप जो है अटैच कर सकते हैं। थंब, यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है और यहाँ पर आपको नेम एंड सिग्नेचर लिखेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है, बाकी PDF का डाउनलोड लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहीं से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।